अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लें और इसे खोल लें। तो सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं। पेज नंबर 9, ईमान मुफस्सल। तो हमने पिछले वीडियो में ईमान मुफस्सल के बारे में जाना था कि ईमान मुफस्सल है क्या, कि मैं इसके मायने हैं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाई और अल्लाह के फरिश्तों पर भी और अल्लाह की किताब पर भी और अल्लाह के जो रसूल हैं उन पर भी और क़यामत का जो दिन है कि हाँ क़यामत का दिन आना है, इस बात पर हम सबको यकीन भी है और मतलब जो तकदीर हम सबकी होती है अल्लाह हम सब की तकदीर को लिखता है बनाता है, तो अच्छी बुरी जो है वो अल्लाह की तरफ से ही है और मरने के बाद जो दोबारा कहा जाता है कि हाँ इंसान फिर से ज़िंदा होगा तो वो क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। तो इस पर भी हम सब का ईमान है, हम सब को यकीन है इस बात को पर। तो उस ये सारी चीज़ें जो हैं तो ईमान मुफस्सल हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है, ईमान बिल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान, तो इसके बारे में भी हमने जान लिया था। फरिश्तों पर ईमान, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। किताबों पर ईमान यानी कि अल्लाह की जो जो किताबें हैं वो उस पर भी हम सबका ईमान है, इसके बारे में भी तो पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। और रसूलों पर जो ईमान है उस पर उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आइए हम सब अब आगे का पढ़ते हैं। आखिरत पर ईमान, आखिरत पर ईमान इसके मतलब माने हैं कि हाँ हम सबको आखिरत पे यकीन है कि हाँ हम सब मरने के बाद एक बार फिर से ज़िंदा किए जाएंगे, अल्लाह हम सबको ज़िंदा करेगा, हम सबसे सवाल तलब करेगा कि तुम दुनिया में गए थे तो किस लिए गए थे, क्या किया तुमने दुनिया में, कितनी नेकियाँ की, कितने गुनाह किए, उन सब का हिसाब किताब होगा। तो इस दिन पर हम सबको यकीन है तो इसीलिए आखिरत पर ईमान कहा गया है। आइए शुरू करते हैं पढ़ना। और इस बात को मानना कि ये दुनिया और दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे टूट फूट कर फना हो जाएंगे, फिर सबको अल्लाह ताला जमा करके हिसाब किताब लेगा, उनके ज़रिए किए गए अच्छे या बुरे कामों की जजा व सज़ा देगा, उसी का नाम क़यामत है। यानी कि मैंने जैसे बताया है कि आखिरत है क्या, आखिरत क़यामत का दिन है, तो अल्लाह जो है तो वो दुनिया उस दिन दुनिया और दुनिया की हर चीज़ जो है तो फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे सब कुछ टूट फूट के अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर देगा, वो क़यामत का दिन होगा। और अल्लाह फिर सबसे क्या करेगा, सबको जमा कर देगा एक मैदान में और सबसे पूछेगा कि हाँ मतलब उनका हिसाब किताब होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्यों किया है, ये सारे सवाल जवाब होंगे और उनके ज़रिए हम जिसके नेक अमाल होंगे उसे अल्लाह जन्नत अता करेगा और जिसके बुरे अमाल होंगे यानी कि जिसने दुनिया में बुरा काम ही सिर्फ किया होगा तो अल्लाह उसके हिसाब से ही उसे सज़ा भी देगा और उसी दिन को क़यामत कहते हैं। नंबर 6, तकदीर अच्छी बुरी पर ईमान, यानी कि जो भी तकदीर है वो किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई है, वो अच्छी हो बुरी हो दोनों ही सूरतों में वो अल्लाह की तरफ से ही है, तो इस बात पर भी हम सबका ईमान है, अकीदा है कि हाँ अल्लाह की तरफ से ही है। हर अच्छी और बुरी चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ जानना यानी इस दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा पेश आया है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, यानी कि वही चीज़ है कि तकदीर नसीब जो भी अच्छा बुरा होता है वो किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होता है और वो सब अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि हाँ किसकी तकदीर अच्छी होनी है किसकी नहीं होनी है, वो सब अल्लाह के इख्तियार में होता है। तो इस बात को पे यकीन रखना कि हाँ अगर हमारे साथ आज कुछ अच्छा हुआ है तो या उसमें भी वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है और अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ मसलहत है, अल्लाह की कुछ तो मतलब वजह होगी जो अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, तो और बुरा होता है तो फिर अल्लाह उसे अच्छा भी कर ही देता है, वो आपकी दुआओं पे डिपेंड करता है, आप दुआएं करेंगे सच्चे दिल से करेंगे तो अल्लाह उसे सुनकर आपके बुरे से बुरे वक्त को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बात पर यकीन होना चाहिए कि हाँ अगर बुरे दिन आए हैं अल्लाह अगर बुरा दिन हमारा लाया है तो अल्लाह अच्छा दिन भी लाएगा। नंबर 7,
मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, यानी कि वही है, कयामत के दिन ही ज़िंदा किए जाएंगे हम सब। तो इस बात पर हम सबको यकीन है कि हाँ, हम सब मरने के बाद एक बार फिर से ज़िंदा होंगे। हिसाब किताब के लिए ही अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदा करेगा, इस बात पर हम सबको भरोसा है, यकीन है। सभी को अपना अपना हिसाब देना होगा, अच्छे और बुरे अमाल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। जो काम अमाल के लोगों से अच्छे या बुरे किए हैं उनके मुताबिक वह जन्नत और दोजख में जाएंगे। जैसा कि मरने के बाद दोबारा हम लोग की ज़िंदा किया जाएगा, तो किस लिए ज़िंदा किया जाएगा? आप सबको तो पता ही होगा, कयामत का एक दिन आना है और उस दिन हम सबको ज़िंदा किया जाएगा। जितने भी मुर्दे होंगे उन सबको ज़िंदा किया जाएगा और उस दिन दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नस्त नाबूद हो जाएगी। और हम सबको अल्लाह इसलिए ज़िंदा करेगा, दोबारा फिर से खड़ा करेगा, और सब सारे जितने भी लोग होंगे वो सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे अल्लाह के सामने। फिर अल्लाह उन सबसे सवाल तलब करेगा कि हाँ, मतलब क्या क्या तुम लोगों ने दुनिया में जाने के बाद किया, आज किसके किसके कितने अच्छे अमाल हैं, किसके बुरे अमाल हैं। तो उनके अमाल के मुताबिक ही उन लोगों को सज़ा मिलेगी, और जिसके अच्छे अमाल होंगे उसे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और जिसके बुरे अमाल होंगे उसे अल्लाह दोजख में डाल देगा। तो अब हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है इसे नेक कामों में लगाएं, अल्लाह की राह पर चलकर उसे खर्च करें, और सबकी मदद करनी चाहिए, सबके लिए सबके साथ भलाई करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। तो ये सब अच्छे अमाल में होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अल्लाह सिर्फ हमें इस दुनिया में भेजा कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, तिलावत कुरान करो, सदका दो, हज करो। तो ये सब नहीं है, ये सब तो है ही, लेकिन सबके साथ साथ जो है तो वो हमारा दूसरों के साथ अच्छा सलूक है ये, और गरीबों की मदद करना है, और बूढ़े ज़ईफ़ों की जो है तो जो लाचार बेबस लोग हैं उन सबकी मदद करनी है, और सबकी इज़्ज़त करनी है, किसी के लिए मतलब कुछ बुरा नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना भी है। सबके साथ जो है हमारा बर्ताव बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि अल्लाह खुश रहे। अल्लाह क्या चाहता है, हमारे बंदे जो हैं तो वो नेक काम करें, नेकी की राह पर रहें, बुरे कामों से बचें। अल्लाह चाहता है, अल्लाह हम सबको बहुत चाहता है, और वो अपने बंदों को कभी तकलीफ़ ना देना चाहता है, ना तकलीफ़ में देख सकता है। तो अगर तकलीफ़ देता है तो वो हम लोगों के आमाल के मुताबिक होते हैं। अगर हमारे बहुत ज़्यादा बुरे आमाल हो जाते हैं तो अल्लाह क्या करता है कि हम लोगों को थोड़े तकलीफ़ दे देता है, कि तकलीफ़ में आने के बाद तो कम से कम हम लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ, हमने जो है तो ये बुरा किया है। किसी को दर्द, किसी को मतलब तकलीफ़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सबका सलूक अच्छा हो, सब हमसे खुश रहें, अल्लाह और सबसे बढ़कर अल्लाह खुश रहे। अल्लाह कब खुश होता है? जब अल्लाह के का एक बंदा दूसरे बंदे को खुश रखने की कोशिश करता है। अल्लाह के एक बंदे का सलूक जो है तो वो दूसरे बंदे से अच्छा होता है, तो इस बात से अल्लाह बहुत खुश होता है, नेक कामों से खुश होता है। तो इसलिए हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम सब नेक बने, अल्लाह को खुश रखें, अल्लाह को राज़ी रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, छोटी सी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद हम नेकी कर लेंगे, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, और इसे जो कुछ है आज है, अभी है, इस वक्त है, तो इस वक्त में ही हमें नेकी करनी है। हमें नेकी के लिए किसी और वक्त का इंतज़ार नहीं करना है, ना अल्लाह की इबादत के लिए और ना ही नेकियों के लिए कभी भी इंतज़ार नहीं करना होता है। ये आपको जब भी वक्त मिले, जब जैसा माहौल हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये करते रहिए, ठीक है। ऊपर बताई गई 7 ज़रूरी बातें ही ईमान मुफस्सल हैं। ईमान मुफस्सल ये है, यानी कि ऊपर जैसे कि 7 बातें आप लोगों को बताई गई हैं, ईमान बिल्लाह यानी कि अल्लाह पर ईमान होना, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और उसका कोई साथी या साजी नहीं है, इस चीज़ पर यकीन हम लोगों का ईमान पर मतलब अल्लाह पर ईमान है। और फरिश्तों पर ईमान, कि अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, हम इंसानों को ये बताने के लिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो ये सब चीज़ें जो है तो वो फरिश्तों पर ईमान है। और किताबों पर ईमान, यानी कि जो अल्लाह ने किताबें भेजी हैं, 4 किताबें,
तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। तो ये चारों किताबें जो हैं तो अल्लाह की आसमानी किताबें हैं और इन किताबों पर भी हम सबको यकीन है और इसे ही किताबों पर ईमान कहते हैं। और रसूलों पर ईमान यानी कि कुछ पैगंबर और रसूल अल्लाह ने भेजे हैं और उनको लोगों को मतलब बताया जाता है कि उनके ज़रिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कि और मतलब लोगों को हिदायत के लिए भेजा गया है कि वो अल्लाह के बंदों को हिदायत दें, इसके लिए उनको पैदा किया गया है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ और अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनको ही पैगंबर और रसूल कहते हैं हम सब। तो ये चीज़ आपकी रसूलों पर ईमान में आती है और आखिरत पर ईमान, जबकि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हाँ हमें क़यामत के दिन पर भी यकीन है कि हम एक बार फिर से मरने के बाद एक बार फिर से अल्लाह हमें ज़िंदा करेगा हिसाब किताब के लिए। और तकदीर और नसीब जो है तो वो अल्लाह की बनाई हुई है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो अल्लाह की तरफ से ही है, इस बात पर हम सबको यकीन है। तो ये आपका तकदीर पर ईमान आता है, ठीक है, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, इस बात पर भी तो हम सबको यकीन है ही। ये सातों चीज़ें जो हैं तो वो ईमान मुफस्सल हैं, सातों बातें जो हैं तो वो ईमान मुफस्सल के अंदर आती हैं। और ईमान मुफस्सल है क्या, ये एक कलमा है, तो इस कलमे को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباسي بعد الموت। ये आपका कलमा ईमान मुफस्सल है, आप सभी बच्चे इस कलमे को याद कर लीजिएगा। और इसके जो मायने हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, और आखिरत यानी कि क़यामत के दिन पर, और इस बात पे कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती हैं, और इस पर कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है, इसे अच्छे से हम लोगों ने समझ भी लिया है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये ईमान मुफस्सल के बारे में पूरी तरह से मालूम हो गया होगा कि ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, इसके ज़रिए अल्लाह ने हम सबको क्या क्या बताने की कोशिश की है। तो अब यही है कि हमें जो जो अल्लाह ने बताया, हमने जो जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल में रखें, हमें पूरी ज़िंदगी अब भी उसे याद रखना है कि अल्लाह ने इस कलमे के ज़रिए हम सबको क्या क्या बताया है। और देखो बच्चों, इन सातों चीज़ों को मानने और इन पर ईमान लाने से ही एक आदमी सच्चा मुसलमान कहलाता है। यानी कि इसमें जो जो सात बातें बताई गई हैं, जैसे कि अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह को मानना, अल्लाह के फरिश्तों को मानना, अल्लाह की किताब को मानना, और क़यामत के दिन को मानना, और अच्छी बुरी जो भी तकदीर है ये अल्लाह की तरफ से, इस बात को मानना, और मरने के बाद एक बार दोबारा से अल्लाह हम सबको ज़िंदा करेगा हिसाब किताब के लिए, हम सबके जो अच्छे अमाल और बुरे अमाल के मुताबिक ही हम सबको जन्नत और दोजख में डालेगा। तो इन सब पर जो ईमान रखता है यानी इन सब चीज़ों को जो मानता है, इन सब बातों को जो मानता है, वही एक अच्छा सच्चा मुसलमान कहलाता है, ठीक है, वो इंसान ही अच्छा मुसलमान और सच्चा मुसलमान कहलाता है। तो आप सब जो है तो अच्छे और सच्चे मुसलमान बनिए और इन बातों पर अपना यकीन भी रखिए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी समझाइए कि हाँ ईमान मुफस्सल है क्या, इसके बारे में बताइए। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज जो है तो वो अभी हम कर लेते हैं। नंबर एक, मुनासिब अल्फाज से खानापरी कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का गलत है, ये जो डैश है वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, और डैश में जो है तो अल्लाह एक है ये रहेगा, ठीक है, ये तो ये सेंटेंस आपका पूरा है। अली बे इसका कोई नहीं, यानी कि इसका कोई यहाँ पे इसके सिवा इसका कोई साजी नहीं,
अल्लाह का कोई साजी नहीं, कोई साथी नहीं है। और आइए आगे चलते हैं, जीम डैश का कोई डैश नहीं है। अल्लाह का कोई साजी नहीं है। दाल डैश के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको। रे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, कौन सी किताब नाजिल की गई? इंजील। इंजील जो कि आसमानी किताब थी, वो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। कुरान सीन, कुरान ही डैश किताब है, अल्लाह की किताब है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की। अब आगे का जो सबक हमारा है, सबक नंबर 3, एक हदीस, इसके बारे में जो है तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये जो कलमा है ईमान मुफस्सल, इसे आप सभी बच्चे अपने अपनी अपनी बुक से अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, बाकी जो है तो वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।